ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो से अगर आप आ रहे हो लगातार डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको ये वीडियो कहां से आया, हम कहां से छोड़ के आ रहे हैं आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के लायक क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी नंबर 4 डायरेक्ट वही लगेगा जहां चेंज होने वाले दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मौजूद हो, साइन कॉस दोनों मौजूद हो, टैन कॉट दोनों मौजूद हो। इसमें केवल कॉट है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बच्चों तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे क्वेश्चनों कैसे करें, तो सबसे पहला काम माना I इज इक्वल टू इतना, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 और 1 अपॉन है ना 1 प्लस, प्यारे बच्चों हमको पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो 1 प्लस रूट ऑफ cot x बराबर क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 और फिर 1 अपॉन 1 प्लस, इनको अलग अलग रूट में कर दें, रूट ऑफ कॉस एक्स अलग अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स अलग और ये क्या हो गया बच्चों डी एक्स हो गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा है ना बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 1 अपॉन है ना 1 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, ये रूट ऑफ साइन एक्स है, अपॉन में क्या आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ये जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स और ये क्या बन जाएगा डी एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, ठीक है, पलट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा रूट ऑफ बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में रूट ऑफ क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस रूट ऑफ क्या होगा बच्चों कॉस एक्स होगा और डी एक्स होगा। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा हो चुकी है बच्चों, तो आप लोग कम से कम ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व तो कर ही लोगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे, फिर क्या लगाएंगे चेंज करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, हम यहाँ बोलने वाले हैं कि सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ दोनों लिमिट का योगफल माइनस एक्स और डी एक्स है ना, दोनों लिमिट का योगफल माइनस एक्स और डी एक्स, तो प्यारे बच्चों रूट ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, x क्या होगा x होगा पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 और माइनस का x, अब पूरे अपॉन में बच्चों रूट ऑफ साइन, x के स्थान पे क्या करेंगे पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस का x, अब प्लस अंडर रूट कॉस हो गया तो कॉस हो गया, x के स्थान पे क्या करेंगे पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस का एक्स होगा और ये क्या हो गया बच्चों डी एक्स हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम इसको, ठीक है बच्चे लोग अभी हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 और फिर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ क्या होगा रूट ऑफ होगा साइन 90 माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ होगा कॉस 90 माइनस एक्स और डी एक्स। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है और बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये वापस से क्या करेंगे बच्चों इंटरचेंज हो जाएगा है ना, वापस से क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा,
तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री और रूट ऑफ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, और dx इक्वेशन नंबर टू। तो समीकरण एक और दो को जोड़ना है, तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देना है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले जुड़ेगा, तो आई प्लस आई इंटीग्रेशन पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री है ना, तो रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स अप्लस रूट ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, अप्लस इंटीग्रेशन पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री है ना, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों लोग आगे बढ़ेंगे, और चूंकि सेम लिमिट है तो अलग अलग सम हो रहा है तो उसको हम इकट्ठा कर देंगे, तो 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री, तो एक साथ कर देंगे अगर तो क्या जाएगा रूट ऑफ आ जाएगा बच्चों, ऊपर है साइन एक्स बटे रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और ये लग गया बच्चों डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि एलसीएम तो सेम ही है तो वही आएगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों एलसीएम आएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ये हो जाएगा क्या डी एक्स। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री होगा, पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम है तो अंश और हर में, तो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा वन डी एक्स बचेगा। वन का समाकलन क्या होता है बच्चों, वन का समाकलन होता है एक्स, क्या होता है वन का समाकलन एक्स होता है। तो टू आई इज इक्वल टू वन का समाकलन एक्स होगा, और ये लिमिट आपको पता है यहाँ आ जाती है पाई अपॉन सिक्स टू पाई अपॉन थ्री, तो हम करने वाले हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बच्चों। यहाँ से 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई अपॉन 3 लोअर लिमिट पाई अपॉन 6, तो 2i इज इक्वल टू एलसीएम 6 आया, यहाँ 2पाई आएगा यहाँ पाई आएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 बच्चों, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 6 × 12, ये हमारा आंसर। तो सेम आंसर आया बच्चों। अब मुझे कंफर्म है कि आप प्रॉपर्टी नंबर 4 सही से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केवल टाइप 1 वाले क्वेश्चनों में, टाइप 2 वाले क्वेश्चन जो है बच्चों वो मैं आपको जरूर से जरूर बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों लोग। तो आगे बढ़े फिर, तो अब अपन देखते हैं इसी में, ठीक है। तो अभी प्रगुण नंबर जो 5 है, प्रगुण नंबर 5 भी क्लास में पढ़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चंस मैंने कम बताए हैं क्लास में। तो बच्चे लोग अगले वीडियो में अपन जब मिलेंगे तो प्रगुण नंबर 5 का प्रूफ करा देते हैं यार, तो फिर वहां पे सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, ताकि जो क्लास वाले बच्चे हैं वो भी वीडियो में सही से जुड़ सके, ठीक है बच्चे लोग। तो प्रगुण नंबर 5 देखते हैं क्या है, प्रगुण नंबर 5 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बच्चों प्रगुण नंबर 5, या फिर अगले वीडियो में शुरुआत थोड़ा सा कर देंगे प्रूफ। क्वेश्चन कितने सारे हैं, क्वेश्चन है प्रगुण नंबर 5 के, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 क्वेश्चन है, तो वीडियो में शायद ना हो पाए, ठीक है बच्चे लोग। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, प्रगुण नंबर 5 का प्रूफ कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।